गाइस वेलकम टू माय चैनल चाय पत्ती ड्रेसिंग टेबल। सो आज मैं चाय पत्ती और मेरे साथ है मेरी फ्रेंड अंतरा जो कि इस मेकअप लुक में मेरी हेल्प करेंगी। सो ये एक पिंक एंड बर्गंडी कट क्रीज आई मेकअप लुक है। ये लुक आप लोग वेडिंग्स पार्टीज और गेट टुगेदर के लिए क्रिएट कर सकते हैं। इस लुक में मैंने बहुत से कम प्रोडक्ट यूज़ किए हैं और ये लुक स्पेशली बिगिनर्स के लिए हैं। सो अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और अच्छे अच्छे कॉमेंट भी लिखिएगा तो आगे की वीडियो मैं कर सकूँ। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सो मैं यूज़ करने वाली हूँ यहाँ पर कंसीलर। एज मेरे पास कंसीलर नहीं है तो मैं यहाँ पर फिटमी का 115 शेड यूज़ करने वाली हूँ फाउंडेशन का। आप लोग देख सकते हैं 115। सो ये इनकी स्किन शेड से थोड़ा सा लाइट है और मैं यहाँ पर यूज़ करूँगी भेगा की ब्रश। ये भेगा की आई शेडो नंबर ब्रश M। सो मैं इसको सबसे पहले आई लीड्स में अप्लाई करूँगी। हम लोग कुछ इस तरह का लुक क्रिएट करने वाले हैं आज की इस मेकअप ट्यूटोरियल में। सो सबसे पहले मैं थोड़ा सा लूँगी फाउंडेशन और आई लिड्स पे मैं अप्लाई करूँगी। अच्छे से मैं इसको ब्लेंड करूँगी। सो मैंने पूरे आई लिड पे ये अप्लाई कर दिया है। अब मैं यहाँ का यूज़ करूँगी एक ब्लेंडिंग स्पंज इसको ब्लेंड करने के लिए। सो ब्लेंडिंग स्पंज की मदद से मैंने ब्लेंड कर दिया। अब मैं यूज़ करूँगी परंपरा आयुर्वेदिक का सनस्क्रीन पाउडर और मैं यहाँ पर यूज़ करने वाली हूँ लैक्मे का पफ। इसको अप्लाई करूँगी आई लिड्स पे। सो हम लोग क्यों अप्लाई करते हैं आई लिड्स पे पाउडर? ताकि आप लोग जो भी कंसीलर या फिर जो भी आई शेडो प्राइमर यूज़ करने वाले हैं उसको आप अच्छी तरह से ब्लेंड कर सके और ताकि आप लोगों का आई शेडो लॉन्ग लास्टिंग रहे और ताकि आप लोगों का आई शेडो जल्दी ना मिट जाए, बहुत देर तक स्टे करे, ब्लेंडिंग अच्छे से हो, इसीलिए हम लोग यूज़ करते हैं। सो अब हम लोग आई मेकअप स्टार्ट करने वाले हैं। सो इसके लिए मैं यहाँ पर यूज़ करने वाली हूँ मेकअप स्टूडियो का एक पैलेट। सो ये है मेकअप स्टूडियो का पैलेट। सो ये बहुत ही अच्छा पैलेट है। सो आई एम गोना टेकिंग द ब्रश। सो मैं यहाँ पर यूज़ करने वाली हूँ मेकअप टूल्स का ये वाली ब्लेंडिंग ब्रश। सो आई एम गोना टू टेक दीज रेड कलर फ्रॉम द पैलेट दिस वन। सो मैं इसको लूँगी और अच्छे से स्टैप ऑफ द एक्सेस करूँगी और क्रीज में अप्लाई करूँगी। आप लोगों को हमेशा याद रखना है कि आप लोगों को टैप ऑफ द एक्सेस करनी है प्रोडक्ट। ज़्यादा प्रोडक्ट ना अप्लाई करें एक ही बारी में तो आप लोगों का आई मेकअप अच्छी तरह से ब्लेंड नहीं होगा। सो मैं धीरे धीरे करके इस कलर को बिल्डअप करती रहूँगी। सो मैं इसको धीरे धीरे से बिल्डअप कर रही हूँ। मैं इस रेड कलर को करीब 3 से 5 बार अप्लाई करूँगी। ऐसे ही उतनी वाइब्रेंट कलर नहीं है। सो अब मैं यूज़ करूँगी इस पैलेट से ये वाली पिंक कलर ताकि थोड़ा सा पिंकिश लुक आ जाए। मैं इसमें थोड़ा सा पिंकिश लुक चाह रही हूँ एज़ पर अंतरास डिमांड। उनको पिंक कलर चाहिए क्रीज में। सो मैं पिंक कलर देने के बाद फिर से ये वाली रेड कलर यूज़ करूँगी टैप ऑफ द एक्सेस को ब्लेंड करूँगी। क्रीज में आप लोगों को हमेशा ध्यान रखना है कि क्रीज के नीचे ना आए कलर और ऊपर भी ना आ जाए, इसलिए हम लोग एक ब्लेंडिंग ब्रश यूज़ करते हैं। सो अच्छे से आई थिंक ब्लेंड हो गया। आप लोगों को दोनों साइड को देख लेना है बारी बारी में ताकि कोई भी साइड में कुछ भी कमी ना रह जाए। सो अब इट मैं अच्छे से आप लोगों को ब्लेंडिंग करके दिखा दिया है। मैंने यहाँ पर आईब्रो कर लिया है। अगर आप लोगों को आईब्रो के ऊपर एक ट्यूटोरियल देखना है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। सो इट्स स्प्लेंडेड। सो अब हम लोग इसी पैलेट से यूज़ करेंगे ब्लैक कलर और हम लोग ये वाली ब्लैक कलर यूज़ करने वाले। ये भी भेगा का ब्रश है, ये एक एंगुलर ब्रश है, आप लोग देख सकते हैं इस ब्रश को। मैं ब्लैक कलर लूँगी। आप लोगों को ऐसे यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ करना है। कट क्रीज है, क्रीज अलग होने की और ये आउटर कॉर्नर्स बिल्कुल अलग होना चाहिए। इसको आउटर कॉर्नर कहते हैं। इस मेकअप ट्यूटोरियल में मैंने बता भी दिया है कि आई का कौन सा पार्ट को मेकअप लैंग्वेज में क्या कहते हैं। आउटर कॉर्नर में ब्लैक दिया है लेकिन इस साइड आप लोग देख सकते हैं कि बगंडी है कलर, तो इसीलिए मैं क्या करूँगी इसके ऊपर मैं बगंडी कलर यूज़ करूँगी। सब मैं ये बगंडी कलर लेने वाली हूँ इस पैलेट से दिस वन। मैं इसको एक लिपस्टिक ब्रश में यूज़ करूँगी। ये आप लोग देख सकते हैं ये वाली लिपस्टिक ब्रश में मैंने बगंडी कलर ले लिया है। अब मैं इसको आउटर कॉर्नर जहाँ पे मैंने ब्लैक अप्लाई किया उसके ऊपर अप्लाई करूँगी। बहुत ही इजी है, मैं फिर से लूँगी। इस बार हम लोगों को टैप ऑफ द एक्सेस नहीं करना क्योंकि ये ब्रश नहीं है, लिपस्टिक ब्रश है।
आई शेडो पैलेट आप लोगों को इजीली मिलती है। अगर आप लोग कोई आई शेडो पैलेट खरीदते तो आप लोगों को ये वाली ब्रश ही मिलती है। आप लोग सोचते कि यही आई शेडो ब्रश है, लेकिन ये आई शेडो ब्रश नहीं है, ये लिपस्टिक का ब्रश है। मैं अप्लाई करूंगी। सो व्हाट आई एम गोइंग टू डू इज दैट मैं बेकिंग करूंगी। अब बेकिंग मतलब कि वो रसोई का बेकिंग नहीं। सो हम लोग परंपरा का वही सनस्क्रीन लेने वाले हैं। मैं लैक्मे का पफ लेके इसको आईलिड्स के नीचे दूंगी। अभी मैं यूज़ करने वाली हूँ हाईलाइटर। आप लोग चाहे तो गोल्डन आई शेडो भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन मेरे पास गोल्डन आई शेडो है, लेकिन मैं थोड़ा सा वाइब्रेंट लुक उनको देना चाहती हूँ, इसीलिए मैं यहाँ पर यूज़ करने वाली हूँ हाईलाइटर। सो मैं यहाँ पर यूज़ करने वाली हूँ स्विस ब्यूटी का हाईलाइटर पैलेट, हाईलाइटर और ब्रॉन्जर पैलेट। सो मैं ये वाली लूँगी, पिकअप करूँगी इससे हाथ में। आप लोग देख सकते हैं मैंने वही ब्लेंडिंग ब्रश से ले लिया है, ये मेकअप टूल्स का है। मैं इसको आईलिड्स पे अप्लाई करूँगी। ब्रश से उतनी अच्छे से नहीं अप्लाई हो रही थी, इसलिए मैंने हैंड में ही अप्लाई कर लिया है। लोगों क्रीज को मेंटेन करके रखना है। थोड़ा सा इसको बगंडी कलर के पास लेके जा रही हूँ, क्योंकि बगंडी का जो रेशियो है वो ज़्यादा हो चुका है, आउटर कॉर्नर से बाहर निकल आ चुका है वो बगंडी कलर। सो इनर कॉर्नर्स की तरफ मैं इसको, इनर कॉर्नर्स कहते हैं, मैं थोड़ा सा ब्रश ही यूज़ करूँगी ताकि वो शेप ना डिस्टर्ब करे इसको। तो अब आप लोग देख सकते हैं कि मैंने हाईलाइटर हैंड से अप्लाई किया है, सो बिल्कुल भी अच्छी नहीं लग रही, इसीलिए मैं क्या करूँगी, मैं फिर से क्रीज में अप्लाई करूँगी कलर। उससे पहले इस पर्पल कलर को, बगंडी कलर को मैं थोड़ा सा फिर से दूंगी। सो इसीलिए मैं इस पैलेट का ये बगंडी कलर यूज़ करने। सो ये बगंडी कलर मैं ज़्यादा नहीं अप्लाई करूँगी, जस्ट आप लोगों को दोनों साइड को देख के अप्लाई करना है। तो मैंने अप्लाई कर दिया बगंडी कलर को। अब मैं क्रीज में वही रेड कलर यूज़ करने वाली हूँ, लेकिन मैं मेकअप टूल्स का क्रीज यूज़ करने वाली हूँ। सो इस क्रीज ब्रश में मैंने ये रेड कलर लिया, टैप ऑफ द एक्सेस, वरना ज़्यादा वाइब्रेंट लगेगा, और इसको क्रीज को एक शेप दूंगी। आप लोग देख सकते हैं बेकिंग की मदद से यहाँ पर कोई भी हाईलाइटर नहीं पड़ेगा। अगर आप लोग गोल्डन कलर का आई शेडो यूज़ करने वाले हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन हाईलाइटर के लिए आप लोग प्रिकॉशन ले रखिए। सो आई मेकअप हो चुका है, अब हम लोग मतलब कि अभी कुछ काम बाकी है। सबसे पहले हम लोग आई लाइनर अप्लाई करेंगे। यहाँ पर हम लोग एक विंग लाइनर अप्लाई करने वाले हैं एज़ पर अंतरस चॉइस। तो मैं यहाँ पर यूज़ करने वाली हूँ 18 आई ड्रामा का आईलाइनर, ब्लैक कलर में आता है। सबसे पहले विंग की जो यहाँ तक हम लोग एक ब्लैक कलर दिया है, वहाँ पे मैं आईलाइनर को ड्रॉ करूँगी ऐसे स्ट्रेट लाइन, सेलो टेप की मदद से बहुत अच्छी तरह से हो जाएगी। और मैंने यहाँ पर इसीलिए सेलो टेप अप्लाई किया ताकि पूरी मेकअप क्लीन लगे। अब यहाँ से एक भी आप लोगों को ड्रॉ करना है ऐसे। अब हम लोग इसको फिल करने वाले हैं। अब हम लोग इस जगह को मतलब कि लीड में अप्लाई करने वाले हैं ये कलर, ब्लैक कलर। आईलाइनर फिनिश होने को आया है, लेकिन फिर भी मैं इसको अच्छी तरह से स्ट्रोक देके मैं इसको कर दूंगी। ये वाली लुक उतनी भी मुश्किल नहीं है, बहुत ही इजी। अगर आप लोग कुछ सिंपल स्टेप फॉलो करें तो एक अच्छी सी आई लुक आप लोग क्रिएट कर सकते हैं होम में ही। आप लोगों को पार्लर में जाने की भी कोई ज़रूरत नहीं है। जो ऑफिस गर्ल्स है जिनके पास टाइम नहीं होता, वो भी ये करके कभी कभी जा सकती है कोई भी वेडिंग में, अगर कोई लेट नाइट मीटिंग हो तो। अब हम लोग बहुत ही अच्छी तरह से इसको अप्लाई करेंगे। मैं इस आईलाइनर को यहाँ तक लेके मैंने इसको फिनिश्ड कर दिया विंग लाइनर। अब ऑफ स्क्रीन अंतरा काजल पहन लेगी। यहाँ पर हम लोग यूज़ करने वाले हैं लैक्मे का काजल। अंतरा ने ऑफ स्क्रीन काजल पहन ली, तो अब हम लोग इस सेलो टेप को रिमूव करेंगे। यहाँ पर आप लोगों को जस्ट खींचना है सेलो टेप को। अब बेकिंग करेंगे जगह को हम लोगों को पफ के मदद से, लैक्मे का पफ है, उसकी मदद से अच्छी तरह से रिमूव करना है। देख सकते बहुत ही अच्छी वाइब्रेंट एक लुक आई है।
हमने अच्छी तरह से इसको रिमूव कर दिया पप की मदद से। सो अब हम लोग एक छोटा सा ब्रश यूज़ करने वाले हैं, ये कोई भी मेकअप किट के साथ आप लोगों को मिल जाएगी अगर आप लोग चाहें तो, कोई और भी ब्रश यूज़ कर सकते हैं। सो इसी पैलेट से मैं क्या करूँगी, ये वाली जो इसकी साइड है इससे ये वाली कलर लूँगी ब्राउन कलर, इसको मैं यहाँ पर स्मच करूँगी, आँखें खुलिए, लोअर लैश लाइन में देख सकते हैं आप लोग इस तरफ भी किया गया है। मैं फिर से इस तरफ को थोड़ा सा रिवाइव कर रही हूँ, इस तरफ को मैं फिर से स्मोकी लुक्स देने के लिए। आप लोगों को एक चीज़ का ध्यान रखना है, इसको खींच कर ड्रैग करके यहाँ तक ना लेना है। सो इसकी ऑपोजिट साइड से मैं वहीं स्विस ब्यूटी का अल्ट्रा ग्रो पैलेट का हाईलाइटर यूज़ करूँगी। इस ब्रश से थोड़ा सा लूँगी इसको इनर कॉर्नर के लिए, इनर कॉर्नर को करना बहुत ही सिंपल है, जस्ट आपको यहाँ पर ऐसे करना है, थोड़ा सा लूँगी ऐसा। आपने आईलिड पे यही कलर दिया इसीलिए इनर कॉर्नर को मैं थोड़ा सा काजल की तरफ ड्रैग कर लूँगी ताकि इनर कॉर्नर को हाईलाइट में अच्छी तरह से दिखा सकूँ। अब मैं यहाँ आईब्रोज की तरफ भी मैं इसको उसी हाईलाइटर से या आर्क को ड्रॉ करूँगी, याद रखिए यहाँ तक ना लेना है, यहाँ तक ही आप लोगों को ख़त्म करना है इसको। इस साइड को भी मैं थोड़ा सा करूँगी, यहाँ पर नहीं किया गया है दिखाने के लिए, बहुत ही सिंपल है ये मेकअप ट्यूटोरियल करने के लिए। आईब्रोज अगर आप चाहे तो मैं फिर से कोई और वीडियो बनाऊँगी, अगर आप लोग चाहे तो कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। सो ये अच्छी तरह से कर दिया गया है। सो आईलिड्स पे मैं थोड़ी सी और इसको अप्लाई करूँगी, यहाँ पर भी मैं थोड़ा सा और अप्लाई करूँगी, यहाँ पर फूकूंगी और अच्छी तरह से सब मैं अच्छी तरह से इसको फिर से बेक करूंगी पाउडर को, जहाँ जहाँ नीचे की तरफ इस पाउडर लगा है अच्छी तरह से। सो आप लोग देख सकते हैं बहुत ही अच्छी एक लुक लग रही है। सब मैं मस्कारा यूज़ करूंगी लास्ट स्टेप, अगर आप लोग चाहे तो फॉल्स लशेस भी इंक्लूड कर सकते। सो ये वाली मस्कारा लैक्मे का 9 to 5 का रेंज का मस्कारा है, तो मस्कारा मैंने अच्छी तरह से अप्लाई कर लिया है। तो अब हम लोग पूरा लुक आप लोगों को दिखाने वाले हैं। सो अंतरा पूरी तरह से रेडी है, मैंने उनको एक अच्छी सी हेयर स्टाइल दे दिया है, हेयर को मैंने स्ट्रेट कर दिया है, लिपस्टिक पहना दिया है, ये रेड कलर की लिपस्टिक है लैक्मे की। सो अब आप लोग देख सकते हैं पूरी मेकअप ट्यूटोरियल का लुक। सो अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और प्लीज़ कमेंट में लिखिएगा कि आप लोगों को कौन सी और नई नई वीडियो देखनी है। अगर आप लोग चाहे तो किसी की भी मेकअप की कोई वीडियो देख सकते, अगर आप लोगों को दीपिका पादुकोण की कोई मेकअप लुक रिक्रिएट करके देखना चाहते हैं तो आप प्लीज़ मुझे बोल सकते हैं। अगर आप लोग कोई कॉन्टोरिंग या फिर किसी भी बेस मेकअप आई मेकअप देखना चाहते हैं तो प्लीज़ मुझे कमेंट में ज़रूर लिखिएगा। अगर आप लोग चाहे तो न्यूड मेकअप भी मुझसे सीख सकते हैं, मैं यूट्यूब में नहीं आ रही हूँ, मैं धीरे धीरे से आप लोगों को एक एक रिक्वायरमेंट्स मैं पूरी करती जाऊँगी। सो आज के लिए यही लुक था। सो बाय, हैव अ गुड डे।